हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EDMC की हिंदी की वर्कशीट 17 सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 13, स्वामी की दादी। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। ऊल जलूल बेकार, समर्थन साथ देना, संदेह शक, अधीर बेचैन, खूंखार डरावना। अब प्रश्न दो, पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने कहे, किससे कहे व किसके लिए कहे गए। प्रश्न नंबर एक, मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं, और ये वाक्य आपको बताना है किसने किससे किसके लिए कहा। यह वाक्य दादी ने स्वामीनाथन से बुआ के लिए कहा। दूसरा वाक्य है, नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है। यह वाक्य दादी ने स्वामीनाथन से राजम के लिए कहा। प्रश्न तीन, बच्चों आपने अपनी दादी व नानी से अनेक मज़ेदार कहानियाँ सुनी होंगी, उनमें से कोई एक कहानी लिखो। बच्चों, आपको आपकी दादी नानी कहानियाँ तो सुनाती ही होंगी, उनमें से कोई एक मज़ेदार सी कहानी जो आपको याद हो वो लिखनी है। यहाँ पर आपको मैंने ये कहानी लिखी है, कछुआ और हंस आपके लिए लिखी है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, उस तालाब में दो हंस भी रहते थे जिनकी कछुए से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वह हंस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की कहानियाँ सुनाया करते थे। वह अक्सर यह भी बताते थे कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगती है। कछुआ भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने हंसों से निवेदन किया कि कोई तरकीब लगाकर उसे भी आसमान की सैर कराएं। हंसों ने वादा किया, वह इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर सोचेंगे। उसके बाद हंस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि उसे बीच से मुंह से पकड़ लें। हंसों ने कहा वह उस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी चोंचों से पकड़ लेंगे और कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान भरते समय कछुए को अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना आसमान से सीधा धरती पर आ गिरेगा। इस तरह से कछुए की रोमांचकारी उड़ान शुरू हो गई। कुछ देर बाद वह किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। गांव के कई लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। किसी ने कभी भी कछुए को इस तरह आसमान में उड़ते नहीं देखा था। कछुआ सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसे लगा कि वह स्टार बन गया है। अपने उल्लास को जाहिर करने के लिए वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका उल्लास क्षणिक था, यानी कुछ ही क्षणों के लिए था, क्योंकि वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वह ज़मीन पर गिरकर मर गया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर आप अपनी दादी और नानी की सुनाई हुई कोई और कहानी लिखना चाहें तो आप अपनी पसंद की कहानी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न चार, वचन बदलो। दरी दरियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, सिक्का सिक्के, बक्सा बक्से। अब इसका आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का, प्रश्न पाँच, अपनी प्यारी दादी या नानी की जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें लिखो। यहाँ मैंने लिखा, मेरी दादी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वह सभी बच्चों को और बड़ों को बहुत प्यार करती हैं और ध्यान भी रखती हैं। मेरी दादी मुझे अच्छे संस्कार देती हैं और अच्छी आदतें सिखाती हैं। वह सुबह जल्दी उठती हैं और पार्क जाती हैं। कभी कभी वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाती हैं। जब मैं छोटी थी तो दादी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वह मुझे रोज़ कहानियाँ सुनाती हैं। बच्चों, यहाँ सुनाती मैं आ की मात्रा लगा दीजिएगा, इसमें आ की मात्रा रह गई। मैं भी अपने स्कूल के सारे किस्से कहानियाँ अपनी दादी को सुनाती हूँ। मैं अपनी दादी से बहुत प्रेम करती हूँ। ओके बच्चों, यहाँ ये वर्कशीट ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।